हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे से ठीक ठाक घर पे सुरक्षित हो गए। तो आज बेटा हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने जो ग्रेविटेशन का पार्ट स्टार्ट किया है, सॉरी आई थिंक आवाज़ क्लियर नहीं है, एक बार में आवाज़ का। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ था बीच में से वो करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता था? एक बार ये वही देख लेते हैं कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, आर्म के बीच का डिस्टेंस है, तो जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आएगी जी m1 m2 by r। बट आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इसकी वेक्टर। आज क्या पढ़ रहे हैं? इसकी वेक्टर फॉर्म। और फिर नेक्स्ट में ये देखेंगे अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेस है तो टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कंसीडर कर लिया, अब वेक्टर फॉर्म है तो आपको सारा का सारा वर्क एक्सिस के अंदर पे एक्सिस के साथ करना पड़ेगा। टू डायमेंशन में तो एक्स और वाई, थ्री डायमेंशन में होता है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो मैं यहां पे मान लेता हूं फर्स्ट मास, तो मुझे इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और m1 कितने डिस्टेंस पे रखा है r। सेकेंड मास हमने कंसीडर किया m2, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया r2। सेकेंड का पोजीशन वेक्टर क्या दिया? r2। इन दोनों का म्यूचुअल डिस्टेंस जो है उसको मैं r12 बोल लेता हूं, या अगर कोई बच्चा बोलना चाहे तो r21। दोनों अकॉर्डिंग टू दिस बेटा कोई भी वेक्टर है, पिछली बार तो हमने यहां पे ये बस इसका मैग्नीट्यूड बता रहा था, क्या बता रहा था? मैग्नीट्यूड। पर कोई भी वेक्टर जो होता है उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, फर्स्ट उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसकी डायरेक्शन। सेकंड क्या होगी? डायरेक्शन। जैसे अगर आपको ध्यान नहीं हो तो एक कंसेप्ट आप वेक्टर के अंदर पढ़ते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए है, ये ए के उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये कंसेप्ट क्या है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? जी एम वन एम टू अपॉन, ध्यान रखना पहले मैं इसको नहीं लिख रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, ये जो फोर्स है कैसे नेचर की है? अट्रैक्टिव नेचर की। कैसे नेचर की है? अट्रैक्टिव नेचर की। तो अगर आप फोर्स टू एम वन ड्यू टू एम टू ये निकालना चाह रहे हो तो मैं उसको डिनोट कर लेता हूं फोर्स टू फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इसमें फर्स्ट में सेकंड क्या हो गई? F12। मैंने क्या कंसीडर कर लिया उसको? F12। इस वाले पे ये वाला मास किस तरफ फोर्स लगाएगा हम उसकी बात करते हैं। तो हमने क्या चीज पढ़ी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो किस नेचर की होती है, वो हमने पढ़ा था अट्रैक्टिव नेचर। तो ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो जो इस पे जो फोर्स लगने वाली
ये कैसी है? खत्म हो गई, क्लियर है। पर अगली एक बात मैं आपको ध्यान से देख बता देता हूं, जो हमारी बुक्स है, बुक्स के अंदर इसको नेगेटिव साइन लगा के शो किया गया। क्यों शो किया गया आपको रीजन के साथ बताता हूं। अगर कोई भी कोर्स आपको देखने में अट्रैक्टिव नेचर की हो तो वो फॉर्मूले में नेगेटिव शो करनी है, नेगेटिव नेचर की। और रिपल्सिव कोर्स को क्या माना गया? रिपल्सिव कोर्स को पॉजिटिव ट्रीट किया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर लेना। तो कई बुक्स में इसको एक चीज हो जाना, वन से टू की डायरेक्शन होगी तो आर पर टू के, और टू से वन इधर से इधर हो, तो क्या ये दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट नहीं है? तो ये रिजल्ट याद रखना आपको, आर पर टू के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टू वन के। इसी तरीके से अगर आप वेक्टर की बात करते हो, आर पर टू वेक्टर दैट इज नेगेटिव ऑफ आर टू वन वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड लेते हो तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो वेक्टर कंसेप्ट में आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें मैं रखकर देता हूं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी वेक्टर। काम यहां पे खत्म हो गया। तो कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी मिलेगा, अगर आप इसको नेगेटिव दिखाना चाहो तो यहां पे आपको आर टू वन का एक एग्जाम देगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैग्नीट्यूड सेम रखना चाहो सेम रख लो, डिफरेंट करना चाहो डिफरेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से करो। बट मैं इसको शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट यहां पे आ गया। अगली बात पे चलते हैं। आपने मैथ में एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा कि अगर आर वन से टू का ये वेक्टर आपको निकालना है तो वो आता है फाइनल माइनस इनिशियल, ट्रायंगल लॉ के कंसेप्ट से आता है। और आर टू वन निकालोगे तो आर वन में से टू लेस हो। ये रिजल्ट आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसको याद कर लेना। तो यहां पे मैं प्रूव करता हूं इसको अनदर फॉर्म। बट उससे पहले एक बात और, ये अगर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करनी है इतना ही करके नहीं छोड़ना, अगर वन मार्क्स में आता तो काम चल जाएगा, रिवाइज नहीं करनी है। तो जी एम वन एम टू बाई आर वन टू स्क्वायर इंटू आर वन टू के, मुझे इसको कई बार डायरेक्शन की बजाय मेरा यहां पे आ गया आर वन टू वेक्टर और नीचे आ चुका है आर वन टू वेक्टर का क्यू। ध्यान रखना नीचे मैग्नीट्यूड है बेटा, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई का ऐसा क्या होगा वेक्टर इस कंसेप्ट को अप्लाई करते, तो इसमें और इस बात का फर्क। और अब हम ये वाला कंसेप्ट लगा के इसकी और नई फॉर्म देख सकते हैं। आर वन टू को लिखेंगे आर डिफरेंस देंगे, तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, ये सेकंड फॉर्म और ये वाली थर्ड, तीनों में से कुछ प्यार से तो आपको क्या करना है,
न्यूटन्स थर्ड ये उसको उपयोग में रखता है। तो आपको क्या करना है, थर्ड को क्या करता है, अगर एफ वन टू पे फोर्स लगा रही है तो एफ टू वन जो होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बात आपको प्रूव करनी है। तो हम इसी चीज को ध्यान से देखते हुए हमने एफ वन टू निकाल दिया, एफ टू वन हम निकाल के उस रिलेशन को फॉलो करवा दिए। वो काफी सिंपल है। एफ टू वन अगेन आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी सेकंड में फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन। पहले में इसमें निकालनी चाहिए एम वन, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इस वाले पे जो फोर्स लगेगी, ये वाला मास क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो F21 की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ खींचेगा, यानी 2 से 1 की तरफ। तो बस यही डिफरेंस दिखाना है, डायरेक्शन क्या होगी 2 टू 1। तो वहां पे आया 1 2 और यहां पे आपको क्या लिखना है R 2 1। डिस्टेंस हमेशा इसको देखते हुए लिखा हो तो R21 वेक्टर का हो चुके, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म खत्म। क्लियर है, किसी दूसरी फॉर्म में बना के लिखना था तो इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर दिया, तो अगली फॉर्म आ जाएगी जी एम वन एम टू बाई आर टू वन होल क्यूब और आर टू वन वेक्टर। और आगे डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था तो तीसरी फॉर्म आर टू वन है तो बाद वाले में से घटता है आर वन माइनस आर टू इन ब्रैकेट, तो आर वन माइनस आर टू मॉडुलस। एक ध्यान देना टाइम में डिफरेंस है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, यहाँ पे उन दोनों की कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके मैग्नीट्यूड आएगा, तो यहाँ पे वेक्टर एक स्केलर मान। तो ये थर्ड बट अभी तो जस्ट इसको प्रूव करना था। तो आपको क्या करना है देखते हैं, एक्स आर टू वन इज नेगेटिव ऑफ आर वन टू, या कैप की बात करें तो आर टू वन कैप इज नेगेटिव ऑफ आर वन टू कैप। ये रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये काफी यूज होगी। एंड दोनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वाइज आर वन टू के बराबर होती है, तो इसको यानी रिजल्ट को यहां F21 किसके बराबर आ जाए, जी एम वन एम टू टू वन की जगह रखते हैं वन टू, और यहां पे वी वन टू का स्क्वायर, तो ये आगे माइनस साइन आ गया जी एम वन एम टू आर वन टू के माइनस को हमने आगे लिख दिया, तो क्या बचा आर वन टू का। क्या ये वाली फॉर्म एक बार कंपेयर करके देखो, जी एम वन एम टू आर वन टू कैप और आर वन टू मोड का स्क्वायर बिल्कुल इसके आइडेंटिटीज है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट बोल देते हैं, तो ये किसके बराबर है माइनस एफ टू वन, सॉरी दिस विल इक्वल टू एफ वन टू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या ये यही नहीं आ रहा, दिस इज न्यूटन्स थर्ड, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो हैंस ट्रू हमारा रिजल्ट क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है।
नेक्स्ट क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके अंदर हम एक चीज देखने वाले हैं कि अगर एक मास के अराउंड कई सारे मासेस प्रेजेंट हैं, एक मास के आसपास कई मास प्रेजेंट हैं, तो जितने उसके अराउंड प्रेजेंट है वो सारे उस पर फोर्स लगाएंगे ग्रेविटेशनल, तो उसकी जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होगी, और वो कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। वो किससे पता चलेगी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये देख लेते हैं क्या करता है। अकॉर्डिंग टू इट जो टोटल फोर्स है किसी मास पे वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इंटरटेन ऑफ इसके डेफिनेशन पढ़ लेना। ये क्या करता है, किसी बॉडी में जो टोटल फोर्स है, चलो लिखवाई देते हैं बाद में आपको, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मास और बॉडी ड्यू टू अनदर मासेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या सम ऑफ द फोर्सेस ऐसे करो, ड्यू टू अदर मासेस कैलकुलेटेड इंडिविजुअल, यानी एक एक करके कैलकुलेट की गई, जैसे भी आपको ठीक लगे वो कर रहे। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं जस्ट फटाफट से। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मासिक प्रेजेंट है, M1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, M2 यहां पे है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2 है, M3 R3 डिस्टेंस पे है, Mn Rn। तो ये थे पोजीशन वेक्टर्स। अब देखो आपको कैलकुलेट करनी है, एक को मैं ये ले लेता हूं, एक वाले को आप एम नोट मान लेता हूं, क्योंकि आप उसमें निकालोगे। तो करना क्या है, इसका इसका म्यूचुअल डिस्टेंस आर जीरो, इसका इसका म्यूचुअल डिस्टेंस आर जीरो, इसका इसका म्यूचुअल डिस्टेंस आर जीरो, और सारे वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसके जो फोर्स लगेगी वो कहां होगी, अगर जीरो के जो वन के निकाले तो जीरो से वन होगी या वन से जीरो, आई थिंक वो क्या होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एफ जीरो वन, एफ जीरो टू, एफ जीरो थ्री, यानी जीरो वाले चार्ट पे एम नॉट चार्ट वन की वजह से, टू की वजह से, थर्ड की वजह से। तो ये फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर दी। तो जी एम फर्स्ट मास एफ जीरो है, सेकेंड है। अब एफ जीरो वन की डायरेक्शन क्या थी, जीरो पे फर्स्ट की वजह से जीरो टू वन, तो यहां पे आपको जीरो
आर जीरो है के होल स्क्वायर और आर जीरो क्या होगा पर बड़ा करने को इसका